यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लगभग 15-16 सालों से अधर में लटका और प्रतापनगर की लाइफलाइन कहे जाने वाले चांटी डोबरा पुल का आज पीडब्ल्यूडी के सचिव सुधांशु ने निरीक्षण किया, जिसमें उनके साथ पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि सितंबर तक पुल को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। आपको बता दें, लगभग 15-16 सालों से यह पुल बन रहा है, जो कि किसी न किसी कारण से बनते बनते रह जाता है। अभी हम खड़े हैं चांटी डोबरा पुल में। ये चांटी डोबरा पुल कई सालों से बन रहा था और कई सालों से इस पर कई करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है, परंतु उसके बाद भी ये चांटी डोबरा पुल किसी न किसी कारण से रुक रहा था। कई सरकारें आई और चली गई, परंतु ये चांटी डोबरा पुल जस का तस रहा। इस ऐतिहासिक पुल पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद अंत में यह पुल सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि प्रतापनगर वासियों के लिए खुशी की बात है। अच्छा ये रहा, ये हमारे लिए बहुत ही एक इंजीनियरिंग की अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है, क्योंकि इस तरह की हमारे डिपार्टमेंट को तकनीकी रूप से देखें तो एक अच्छी उपलब्धि है। सर, आज निरीक्षण किया है, क्या आपने इसमें पाया है और क्या निर्देश इसको दिए हैं? देखिए, एक चीज़, चूँकि अभी तो कोविड ये 19 का थोड़ा सा प्रभाव भी है, जिसके कारण कि मैं कहूँगा कि कुछ विलंब हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने भी, जैसा कि हर इस तरह के बड़े कामों में 3 से 6 माह का इसलिए लोगों को रिलैक्सेशन भी दिया है, तो उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। लेकिन अब लगभग काम संतोषजनक ढंग से ये पूरा हो गया है। कुछ छोटे मोटे अब काम बाकी हैं, जैसे सिक्योरिटी के तौर पर पूरी चेकिंग होनी है, उसको हम सिक्योरिटी ऑडिट कह लें या जो भी कह लें, कि वो जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इसको, जैसा कि बताया, सितंबर में हम इसको आम लोगों के लिए, इसके हम उपयोग के लिए इसको खोलने के लिए तैयार होंगे। सर बताए आपका नाम? मेरा नाम शिव सिंह रावत है। सर, यहाँ पर जो ये चांटी डोबरा पुल जो बन रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि हमारी बहुत उम्मीद है, 12 साल की उम्मीद है सर, आज जाके ये थोड़ा सक्सेसफुल हो पाई है। वो भी हमें कहीं दिख रहा है कि ये सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। आई थिंक कि अभी तो ये सक्सेसफुली हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी या जो भी हैं वो सब आके चेक करके जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब ये पुल कम्प्लीटली प्रॉपर हो चुका है, तो हम एक उम्मीद है हमारी, क्योंकि हमारे लिए जब से प्रताप नगर क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, या टिहरी, जहाँ से भी हम, टिहरी से ऊपर जो भी है, जहाँ ये जब से झील बनी है, हमारे लिए तो ये काला पानी साबित हुआ है सर, क्योंकि हम लोगों के लिए ट्रैवलिंग का जो है तो बहुत लंबा रूट तय करा, जहाँ हम पहले 3 घंटे में सफ़र तय कर करते थे, आज हमें वहाँ 6 घंटे लगते हैं, कहीं कहीं हमें 7 घंटे भी लगते हैं सर। लेकिन जो आज जब लोगों ने हमें आश्वासन दिया है, या शासन प्रशासन जो भी, जिसने भी हमें आश्वासन दिया है कि डोबरा चांटी पुल, ये तो 12 साल की उम्मीद थी, आज जाके कम्प्लीटली, हम कम्प्लीटली भी नहीं कह सकते हैं कि ये पूरा हो चुका है, लेकिन आई थिंक हम ये मानते हैं कि अब शायद ये हो ही जाएगा, क्योंकि आज हमारे सामने पीडब्ल्यूडी के महासचिव भी आए थे, उन्होंने कहा है कि सितंबर में ये पुल कम्प्लीट हो जाएगा, तो एक मतलब आश्वासन मिला है हमें कि हाँ अब ये कम्प्लीट हो जाएगा। टीम यूके लाए प्रताप नगर टिहरी।